नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा नई नवेली, दुल्हन के अरमानों पर फिरा पानी, चोरों ने नकदी सहित लाखों के जेवरात किए पार, दूल्हे की कोट पेंट सहरा सहित चुरा ले गए चोर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत सौरभ नगर में चोरों ने रात्रि को धावा बोला। आप सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, इस समय सौरभ नगर में दहशत का माहौल है। नहीं रहा पुलिस का कोई खौफ, चाहे सीसीटीवी कैमरा लगा हो, चाहे पुलिस की नज़र लगी हो, पर चोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो चोरी करेंगे ही। सौरभ नगर में राजललन मिश्रा के घर में किस तरह चोरों ने धावा बोला है, ये विश्वविद्यालय थाना के गशत की चौकसी का पोल खोलता है। आप देख सकते हैं कि पुलिस सोती रहती है। सौरभ नगर बॉर्डर बाग में किस तरह से चोरों ने धावा बोला है। 1 लाख नकदी सहित लाखों रुपए के जेवरात चोरों ने सामान पार किया। पुलिस के अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि घर पर और दुकान पर सीसीटीवी फुटेज लगाएं ताकि चोर की पहचान हो सके, चोरों तक पहुंचने में दिक्कतें न हो। इस चोरी में फुटेज होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक चोरों का पता नहीं कर पाई है। चोर पहले दिन रेकी कर रहे थे, रात को दरवाजे पर चढ़कर घर के अंदर प्रवेश किए, उसके बाद घर के अंदर का ताला तोड़ा गया और कैमरा देखकर चोरों ने कैमरा का मुंह जमीन पर कर दिया कि वारदात फुटेज न दिखे। फरियादी द्वारा बताया गया कि 10 दिन पहले घर पर शादी थी, दूल्हे का शादी का कोट पैंट सेहरा भी नहीं छोड़ा, दुल्हन का पूरा गहना व नकदी सब घर पर था, चोरों ने पूरा साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि दुल्हन के अरमानों पर फिरा पानी। अब देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस क्या खुलासा कर पाती है। रीवा संभाग ब्यूरो, राजीव तिवारी की रिपोर्ट।